हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रहबर खान और मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्नैपसीड में डबल एक्सपोजर एडिट्स एडिट कैसे करते हैं। तो सिंपली आपको इसके लिए स्नैपसीड का न्यू वर्ज़न अपडेट वाला जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपका अगर ओल्ड वर्ज़न है स्नैपसीड का तो आप उसे अपडेट कर लीजिए। तो ये जो है अपडेट में ही आया है ये फंक्शन, देखिए डबल एक्सपोजर। तो इसका मैं आज आपको एडिट दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप एक फ़ोटो ले लीजिए कुछ इस तरीके की, जैसे मेरी दिख रही है आपको। मैंने ये पिक्सआर्ट से कटआउट बनाया और बैकग्राउंड इसका वाइट कर दिया है पूरा। तो इस टाइप की आप वाइट बैकग्राउंड वाली कोई इमेज ले लीजिए या फिर आप पहले से ही इसे एडिट करके रख लीजिए। तो मैंने इसे पहले से एडिट कटआउट बना के रख लिया था। तो आज चलिए मैं दिखाता हूँ। तो मैं इसी से ही पूरी एडिट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक्सपेंड का यूज़ कर लेते हैं। इसमें मैं वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको इमेज को बड़ी कर लेते हैं। चलिए थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं, इतनी ठीक है। थोड़ी सी और एक और बार थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इतनी परफेक्ट है। तो इसके बाद हम देखिए, आप अगर आपकी जो इमेज है, जो आपकी मेन इमेज है वो अगर ज़्यादा ब्लैक होगी, जैसे मेरी देखिए टी शर्ट बहुत ब्लैक है, तो ये एक्सपोजर ब्लैक में बहुत अच्छा काम करेगा, वाइट में ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो मैं ये जो पिक एडिट करने वाला हूँ ये बिल्कुल मेरी देखिए टी शर्ट ब्लैक है और हेयर कलर भी ब्लैक है, ज़्यादा ब्लैक है मेरी जो है मेन फ़ोटो। तो चलिए इसमें पिक इसको सबसे पहले हम ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं। जाके सिंपली मैं ये कॉन्ट्रास्ट वाला ब्लैक एंड वाइट कर लेता हूँ। तो ये ठीक है, गेम भी ज़ीरो है, इसे ओके कर लेते हैं। अब जाते हैं हम डबल एक्सपोजर में। तो डबल एक्सपोजर में यहाँ देखिए आप ऐड का साइन दिख रहा है, यहाँ ऐड फोटो में, ऐड फोटो में चले जाता हूँ। और देखिए मैं सिंपली यहाँ एक इमेज डाउनलोड किया था मैंने, तो ये आप गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसे ब्लैक ट्री के नाम से सर्च करके डाउनलोड किया था ये वाली इमेज को। तो मैं इसे डाउनलोड लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूं। तो देख सकते हैं आप ये कुछ इस तरीके की इमेज आई है। तो इसे एडजस्ट कैसे करें, तो सिंपली आप यहां जाइए और यहां सेंटर वाले जो है टूल में जाइए, यहाँ लाइटन कर दीजिए इसको, लाइटन। तो और इसको रोटेट करके आप थोड़ा सा आप इसे देखिए इस तरीके से। मेरी टी शर्ट देखिए बिल्कुल परफेक्ट आई है। मैं इसे और ऊपर कर देता हूँ ताकि मेरा ये जो नीचे वाला हाथ है ये भी छुप जाए, इससे सिर्फ टी शर्ट का एक्सपोजर। और देखिए चेहरे में कुछ दाने आ गए इसके ऊपर वाले फ़ोटो की वजह से। यहाँ से आप इसे ओपेसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो मैं इसे 50% रख देता हूँ। और देखिए यहाँ से और भी फंक्शंस हैं, आप इसे बिल्कुल अलग अलग इफ़ेक्ट डाल के इसे अप्लाई कर सकते हैं आपकी फ़ोटो के हिसाब से। तो मैं इसे इतनी जो है ले लेता हूँ, इसे एडजस्ट कर लेते हैं इसको भी। ये हो गई है इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और ठीक है इतना। तो देखिए ये जो है कुछ इस तरीके की ये सही इस तरीके की फोटो आई है। अब मैं इसे ओके कर लेता हूँ सिंपली। देखिए मैंने ओके कर लिया। अब यहाँ जाके हम देखिए इस मेनू में जाएंगे एडिट स्ट्रैक में और यहाँ व्यू एडिट्स में जाएंगे। व्यू एडिट्स में जाने के बाद डबल एक्सपोजर को फिर से एडिट करेंगे सेंटर वाले
यहाँ से देखिए मेनू खोलिए, सेंटर वाला जो टूल दिख रहा है इसे ओके कीजिए। यहाँ देखिए आपकी इमेज आ गई। आप ये जो नीचे कॉर्नर में एक टूल दिख रहा है इसे ओके कर दीजिए। और यहाँ ब्रश जो है ब्रश 100% कर लीजिए और जूम करिए। और जहाँ जहाँ आपको ब्रश जो है भी बंद, ब्रश को ज़ीरो कर लीजिए। तो ज़ीरो करेंगे तो आप जितना भी इरेज़र है वो यहाँ से चला सकते हैं। देखिए मेरा, मैंने फेस क्लियर कर लिया थोड़ा सा और सिर्फ टी शर्ट में ये मैं दिखाना चाहता हूँ, तो एक्सपोजर तो मैं टी शर्ट में ही बस रखूँगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ ये इमेज आपको डबल एक्सपोजर मिल गई है। तो इस टाइप की डबल एक्सपोजर आपको इमेज जो है इससे बना सकते हैं आप। और देखिए यहाँ से कुछ इफ़ेक्ट है, विंटेज वाले इफ़ेक्ट ये और डाल देंगे तो आपकी इमेज और खुल के इसमें जो है इफ़ेक्ट आ जाएगा। मैं ये वाला डाल देता हूँ, विंटेज इफेक्ट, सैचुरेशन बढ़ा के थोड़ा सा ब्राइटनेस एडजस्ट करके देख सकते हैं। इस तरीके के आप इफ़ेक्ट डाल सकते हैं इसमें। और ये टेक्स्ट डबल एक्सपोजर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। एक्सपोजर तो आप सिंपली इसी तरीके से बना सकते हैं, बहुत इजी है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे इस वीडियो में कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो सब्सक्राइब प्लीज़ करिए इसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।